आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ वो है बिटसेट प्रेपरेशन के ऊपर। दोस्तों, आपने अपने प्रेपरेशन के टाइम पे बहुत सी गलतियाँ की होंगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप बिटसेट को बहुत अच्छे नंबर से क्लियर करें तो इस वीडियो को बीच में स्किप करने की गलती ना करें। इस वीडियो को एंड तक देखें और मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका बिटसेट क्लियर करके बिट्स पिलानी में आने का सपना ज़रूर पूरा होगा। कि आपको बिटसेट की प्रेपरेशन कैसे करनी चाहिए, तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान रखिए कि बिटसेट जेई एडवांस जैसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें आपको इन डेप्थ टॉपिक्स की नॉलेज होनी ज़रूरी है। आपको बस सुपरफिशियल लेवल पर यह जानना है कि हर टॉपिक में किस किस पॉइंट्स पे फोकस किया जा रहा है, हर चैप्टर के कौन से फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप बिल्कुल मिस ना करें और वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसे आगे प्रोसीड करें। फॉर एग्जाम्पल, केमिस्ट्री में आप जेई एडवांस के लिए जैसे प्रिपेयर करते हैं उसमें फॉर्मूले हो गए, रिएक्शंस हो गई, कंपाउंड से कुछ नाम हो गए जैसे इनऑर्गेनिक में होते हैं, तो वो सब आपको याद करना है। उसके अलावा अगर आप पूरा चैप्टर नहीं भी पढ़ रहे हैं दैट सफिशिएंट, आपको सिर्फ जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो याद करने हैं। और मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि हर एक चैप्टर से रिलेटेड आप एक छोटे से शॉर्ट नोट्स बना लें, फॉर एग्जाम्पल एक या दो पेज, जिसमें आप मेन पॉइंट्स को एनलिस्ट करेंगे कि फॉर्मूले के नाम हो गए। अगर हम मैथ्स की बात करें तो जितने भी फॉर्मूलेज हैं सब आप लिस्ट में बना सकते हैं। फिजिक्स की बात करें तो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स बिटसेट में टेस्ट किए जाते हैं, बहुत रेगुलरली फ्रीक्वेंटली आते हैं, उनकी आप लिस्टिंग कर लें और एक एक या दो दो पेज पर आप उनको एक रिविजन चार्ट की तरह बना लें, जिससे आपको आखिरी दिन जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे बिटसेट के लिए तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दूसरी बात, आप जो पुराने टेस्ट पेपर्स हैं उनको मिस बिल्कुल ना करें। अगर आपका सारा रिविजन हो चुका है, हर चैप्टर से रिलेटेड आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, पॉइंट्स बना लिए हैं, सारे फॉर्मूले आपने ढंग से बाय हार्ट याद कर लिए हैं, फिर आपका जो दूसरा काम है वो होता है पेपर से प्रैक्टिस करना। दोस्तों, ये बिटसेट का पेपर है, ये आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चीज़ें टेस्ट करेगा। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि अगर आपको बहुत सारा आता है या आपकी नॉलेज बहुत ही हाई है तो आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। आपका स्कोर पूरा का पूरा आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों पर डिपेंड करेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ये बात ध्यान रखें कि बिल्कुल टाइम लिमिट सेट करके वो पेपर्स करें। अगर आप टाइम लिमिट एक्सीड कर रहे हैं तो आप अपनी स्पीड को कैसे मेंटेन करना है, टाइम मैनेज कैसे करना है, उसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो दे रखी है, आप उसको देख सकते हैं। और आप धीरे 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 देखेंगे कि जैसे जैसे आप पेपर करते जाएंगे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होती जाएगी। कुछ ऐसे फॉर्मूलेज होंगे जो आप भूल रहे होंगे वो आपको पता चल जाएगा, उस पर आप और फोकस कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल जैसे मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स हो गया, जो जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसका आप एक या दो क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिटसेट के पेपर में। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे एनसीईआरटी में कोई छोटी सी चीज़ कहीं साइड में पेपर के हो तो उसको आपको याद रखना है। जो टर्मिनोलॉजीज है ना, पूरा का पूरा आपको उस पर फोकस करना है, फॉर्मूले, टर्मिनोलॉजीज, इन सबको अगर आपने ढंग से कर लिया तो ये गारंटी मैं आपको देता हूँ बिटसेट में आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा बिटसेट में पेपर आपको अटेंड कैसे करना है, उसको टाइम मैनेज कैसे करना है, प्रॉपर तरीका क्या होगा अगर आप मैक्सिमम पोटेंशियल में मार्क्स आना चाहते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, अपने और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें वीडियो को और देखते रहें हमारा चैनल सक्सेस इन। थैंक यू।